जय श्री कृष्णा। आप सभी माता बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत रखने से और व्रत के साथ में कथा श्रवण करने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा से पति की दीर्घायु होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, संतान के वंश वृद्धि होती है, घर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। आप सभी दीपक जलाकर के बैठ जाएं और करवा चौथ की व्रत कथा श्रवण करें। पहले समय पर एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम वीरावती था। सातों भाई बहन वीरावती को बहुत प्रेम करते थे। सातों बहन भाइयों में बहुत प्रेम था। सातों भाइयों का विवाह हो गया। बहन वीरावती का भी विवाह एक राजा के साथ में हुआ। बहन वीरावती मायके आई हुई थी। पहला करवा चौथ का व्रत था। सातों भाई सायकाल को घर को आए। बहन वीरावती ने व्रत रखा हुआ था। सातों भाइयों ने आकर के भोजन करने बैठे। बहन वीरावती को आवाज दी कि बहन आकर के भोजन कर ले। भाभियों ने कहा कि आज बहन वीरावती भोजन नहीं करेगी, क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर के तब भोजन करेगी। अब तो सातों भाइयों को बड़ी चिंता हुई कि चंद्रमा तो रात को देरी से निकलता है, हमारी बहन तब तक क्या भूखी रहेगी। सातों भाइयों ने युक्ति निकाली। एक भाई ने वन में जाकर के अग्नि लगाई। दूसरा भाई छलनी लेकर के पेड़ पर चढ़ गया और भाइयों ने जाकर के कहा, बहन वीरावती देखो चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन कर ले। बहन वीरावती ने भाभियों से कहा, भाभी चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन कर लेते हैं। भाभियों ने कहा, बहन अभी तुम्हारा चंद्रमा निकला है, हमारा चंद्रमा रात को निकलेगा, तुम ही अर्घ देकर के भोजन कर लो। बहन वीरावती ने नकली चंद्रमा को अर्घ दिया, भोजन करने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में छींक आने लगी, तीसरा ग्रास खाते ही उसके पति राजा की मृत्यु हो गई। हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ गईं। ससुराल से खबर आई। बहन वीरावती रोती बिल्लाप करती हुई अपनी ससुराल पहुंची। अपने पति राजा की मृत्यु को देखकर बिल्लाप करने लगी। उसी समय ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे विधवापन कैसे प्राप्त हुआ, मैंने कोई पाप भी नहीं किया है, आप कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणों ने कहा कि देवी तुमने करवा चौथ का व्रत भंग किया है, इस कारण से तुमसे अपराध हुआ है। अब तुम गणेश जी की पूजा करो, करवा चौथ का व्रत रखो। बहन वीरावती ने अपने पति के शरीर को सुगंधित द्रव्यों में रख दिया। स्वयं नित्य प्रति व्रत नियम करने लगी। नित्य प्रति एक ही सुई निकालती, प्रत्येक गणेश चतुर्थी का व्रत रखती। इस तरह से 12 वर्ष बीत चुके थे। 12 वर्ष होने पर एक आखिरी सुई रह गई थी। आखिरी सुई के समय पर बहन वीरावती ने दासी से कहा कि दासी मैं मंदिर होकर के आती हूं, तू मेरे पति के शरीर का ध्यान रखना। दासी ने हां कह दिया। बहन वीरावती मंदिर गई। जैसी वापिस आई देखा दासी ने आखिरी सुई निकाल दी है, जिसे राजा जीवित हो गया। राजा ने दासी को वीरावती समझकर के रानी बना लिया। बहन वीरावती अपने भाग्य को कोसती हुई वीरावती दासी बनकर के रहने लगी। कुछ समय के पश्चात राजा किसी कार्य से नगर से बाहर जा रहा था। राजा ने जो नकली रानी थी उसे पूछा कि क्या लेकर आऊं। उसने गहने आभूषण मंगवाए। वीरावती से पूछा, दासी तेरे लिए क्या लाना है। वीरावती ने गुड्डा गुड़िया मंगवाए, राजा ने लाकर के दे दिए।
अब राजा ने लाकर के वीरावती को दे तो दिए। वीरावती नित्य प्रति कमरे में बंद होकर की गुनगुनाती रहती, सुनो रे गुड्डा सुनो रे गुड़िया, सुनो हमारा दुख, 12 वर्ष सेवा करी फिर भी ना मिला सुख, इस तरह से कहती रहती थी। एक दिन राजा ने सुन लिया। राजा ने कहा, दासी तुझे क्या दुख है, किस कारण से गुनगुनाती रहती है? दासी ने वीरावती ने दासी के रूप में सारी वृथा बता दी, किस तरह भाइयों ने छल किया, किस तरह से राजा के सुइयां चुमी, किस तरह से सेवा करी, कहा कि दासी थी वो रानी हो गई, रानी थी वो दासी हो गई। राजा को जैसे ही पता चला, राजा ने तलवार निकाली और दासी का सिर काटने लगे। वीरावती ने कहा, स्वामी इसमें दासी का कोई दोष नहीं है, ये हमारे भाग्य का दोष है, इसे क्षमा कर दो, अब सब कुछ अच्छा हो गया है। राजा ने दासी को क्षमा कर दिया। वीरावती पहले के समान राज सुख भोगने लगी, पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और दासी पहले के समान दासी हो गई। इस तरह से है करवा चौथ माता, जैसे वीरावती के जीवन में पहले आई किसी के जीवन में मत आना, दूसरी बार में सुख समृद्धि लेकर के आई, वैसे सभी को सुख सौभाग्य देना, संतान सुख देना, वंश वृद्धि करना, धन धान्य देना। बोलो गणपति आनंद भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय। इसके बाद में माता बहने सभी अपने करवे फिराए और करवे फिराने के बाद में हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, सीधे हाथ में जल लेकर के बोले, ओम अदितस्य ब्राह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेत वाराय कल्पे जम्बू दीपे भरत कंदे आर्यावर्ते देशांतर गते अमुक क्षेत्रे, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस क्षेत्र का नाम बोले, अमुक मासे कार्तिक मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे करवा चौथ चतुर्थी तिथियाम अमुक्याम भाषरे, बार का नाम बोले, अमुक नाम में अपना नाम उच्चारण करें, अमुक गोत्र पन्ने गोत्र का उच्चारण करें, अमुक कामना सिद्ध्यते सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्ति हेतु पुत्र संतान प्राप्ति हेतु संतान पति दीर्घायु प्राप्ति हेतु धन दान प्राप्ति हेतु करवा चौथम व्रतम करिष्ये, 3 बार थाली की ऊपर वो हाथ का जल घुमा करके जल छोड़ देना है और गणेश जी को प्रणाम करना है। आप सबके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी प्रकार की धार्मिक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। बोलो करवा चौथ माता की जय।